हेलो गाइस, कभी कभी होता है ना, हमारा चटपटा खाने का मन करता है लेकिन कुछ बनाने का मन नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी मैं मैगी से बनाऊंगी। मैगी तो हर घर में होती है। ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि आप इसे फटाफट से बना लेंगे, और जो मेरी तरह चटोरे हैं जिन्हें कुछ चटपटा खाने का मन करता है ना, वो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आज मैं बनाऊंगी मैगी भेल। तो जिसे बनाने के लिए एक पैन मैंने गैस पे रख लिया है और उसमें मैं ले लूंगी सबकी फेवरेट मैगी। पैन में मैं ऐड कर दूंगी मैगी। तो मैगी को ना हमें इस तरह से क्रश करके ऐड करना है, क्योंकि हम इसकी भेल बना रहे हैं ना, तो इसे क्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीजिए आ गई सबकी फेवरेट मैगी, वो भी पैन के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे ये भेल कैसे बनेगी, लेकिन वीडियो में एंड तक जुड़े रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरह से इसकी भेल बनाई जाएगी। और ये बहुत ही यम्मी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स, बन भी फटाफट से जाती है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और देखिए, जो थोड़ी बहुत ही क्रश करने को रह गई थी ना, वो भी मैंने यहाँ पे क्रश कर ली है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इसमें बढ़िया से ना क्रंचीनेस आए और इसका कच्चापन भी चला जाए। तो इसे इस तरह से ना हम क्रश कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है और मैगी तो सबकी फेवरेट होती ही है। मैगी आ जाए ना तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इस तरह की मैगी भेल आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे और इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो फिर आपका मन करेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। तो जैसे ही आपको हल्का सा गोल्डन कलर दिखने लग जाएगा ना मैगी में, बस हमारी मैगी जो है वो अच्छे से भुन गई। और देखिए यहाँ पे मैं बोल ही रही थी और इसमें गोल्डन कलर आ भी गया। तो अब इसमें इस तरह से सेंटर में हल्का सा गैप कर लेते हैं। तो अब सोच रहे होंगे गैप किस लिए, तो वो भी आप वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा। तो गैप करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, यानी 1 से 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है ताकि इसकी क्रंचीनेस जो है ना वो बनी रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। और अब इसे ढक कर ना पानी को मैं अच्छे से ऑब्जॉर्व करने दूंगी ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। और लीजिए यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट के बाद इस तरह से ढक्कन को उठा के आपको दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे ये लग रही है। लेकिन अभी तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी इसका मसाला, मैगी मसाला जो मैगी के पैकेट के अंदर होता है, सबका फेवरेट मसाला। और ये ऐड करने के बाद इसे हमें ना मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे इस तरह से ना मिक्स कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये मैगी की कैसी रेसिपी है, इसे किस तरह से बनाया जा रहा है। लेकिन जो भेल होती है ना, उसमें हल्का सा क्रंचीनेस होता ही है, इसलिए हमने मैगी को ना इस तरह से पकाया है ताकि इसमें क्रंचीनेस भी रहे और ये कच्ची कच्ची सी भी ना लगे। और यकीन मानिए, अगर आप भेल लवर हैं, आपको भेल पसंद आती है ना, तो ये मैगी भेल भी ज़रूर पसंद आएगी। टमाटर मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, चॉप टमाटर, तो 1 टमाटर चॉप कर लिया था, 1 प्याज चॉप किया हुआ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न। तो ये मैंने बॉईल कर लिए थे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। भेल बनाने में आपको जो सब्जियाँ पसंद हो ना, स्प्राउट्स इसमें मिला सकते हैं, और भी टेस्टी बनेगी। तो लीजिए यहाँ पे सब चीज़ें मिक्स करने के बाद ना, हल्का सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखिए, मैगी मसाले में नमक होता है, हल्का सा मैगी में भी नमक पहले से ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च भी आप चाहें ना तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की है। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी नींबू का रस। तो मुंह में पानी आ रहा है ना इस तरह की भेल देखकर। और यकीन मानिए ये भेल बहुत यम्मी बनती है। तो मैगी से भी ना आप इजीली भेल बना करके रेडी कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। मैगी तो हर घर में ज़रूर होती ही है। तो आप इस तरह से ना मैगी भेल बना करके ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। तो मैं तो इसे फटाफट से सर्व करने वाली हूँ, खाने वाली हूँ। आप भी इसे फटाफट से बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और लीजिए मैगी भेल मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है, तो मैं तो इसे खाने जा रही हूँ।
मैगी ऐसी चीज़ है ना जो बच्चे बड़े सबकी फेवरेट होती है, तो इस तरह से ना मैगी बिल बना करके अपनी फैमिली को खिलाएंगे ना, उन्हें ये बेहद पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और देखिए, यहाँ पे इसका क्लोज लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। और यकीन मानिए, ये बनती हुई बहुत टेस्टी है, और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने इसको मैगी से बनाया है और मैगी को इस तरह का एक नया ट्विस्ट दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। मैं इसी तरह की बढ़िया और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, और इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।